जाहिर है मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और आपकी नजरों में अभी तक तो हूँ, न पार्टी ने मुझे छोड़ा है न मैंने पार्टी को छोड़ा है, तो फिर नियम कायदे कानून का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दूंगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, था और कल मताधिकार का जब मौका आएगा तो हमारा मत भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ही जाएगा। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। ये गाना पुराने जमाने में किसी ने क्या खूब लिखा था जो आज के राजनीतिक परिदृश्य पर फिट बैठ रहा है। आज बीजेपी के नेता तो शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर यही गाना गुनगुना रहे होंगे और कह रहे होंगे कितना बदल गया इंसान। ये कोई पहली बार थोड़े है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के खिलाफ तेवर सख्त किए हैं। पहले भी वो मोदी और शाह के खिलाफ बोलते नजर आए। शत्रुघ्न सिन्हा आज विचारधाराओं को बदलकर हाथ के साथ आ गए हैं। कभी वो भी कमल का फूल लेके संसद पहुंचे थे। आज पटना की रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। बीजेपी से पटना साहिब सीट से टिकट न मिलने के बाद बागी शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में रहकर भी वे बीजेपी और पीएम मोदी अमित शाह पर हमलावर रहते थे, मगर कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे और मुखर हो चुके हैं। ट्विटर पर सक्रिय शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। कहा है कि उनके तजुर्बे का लाभ उठाने की जगह अलग थलग कर दिया गया। सिन्हा ने पीएम मोदी को यह भी याद दिलाया कि कैसे राजधर्म की आंधी के बीच उनकी जाती हुई कुर्सी को आडवाणी ने बचाया था। दरअसल कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2002 में गोधरा दंगे के कारण तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, मगर लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि रातों रात लिया गया कोई फैसला नहीं है। वे इस पार्टी के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध की आशा करते हैं क्योंकि वो ऐसे वफादार हैं जो जोश में नहीं बल्कि होश में काम करते हैं। सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लंबे समय से कटु आलोचक रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं देख रहा हूं कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही में तब्दील हो गई है। वे दिन गए जब सामूहिक फैसले लिए जाते थे। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के बारे में कहा, मैं उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में देखता हूँ। इस परिवार ने देश के प्रति काफी योगदान दिया है। भारतीय कांग्रेस में जब आना हुआ तो मुझे ये भी समझना बहुत जरूरी था कि ये देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो खैर है ही, उसमें दो राय नहीं। ये पार्टी महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी, जबकि पार्टी तो है ही, उसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कई बार लोग भुलाना चाहते हैं, जो सत्य भुलाया नहीं जा सकता, वो ये कि देश की आज़ादी में या देश को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा योगदान और बलिदान अगर किसी पार्टी का रहा है
तो कांग्रेस पार्टी कह रहा है। मैं तो यहाँ तक फिल्म अभिनेता रह चुके सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि वे करिश्माई परखे हुए और सफल नेता हैं तथा भारत के भविष्य हैं और उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बहरहाल चुनाव आते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन शत्रुघ्न ऐसे नेता हैं जो काफी दिनों से पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और अब तो बोलेंगे ही, क्योंकि अब तो पार्टी और झंडा दोनों बदल गया है। स्पेशल गेस्ट टोटल न्यूज़।